इसी बात का डर था मुझे, पता था मुझे ये रिश्ता नहीं होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। इस मंगल को तो बिना सोचे समझे हर चीज जल्दबाजी में करनी है ना। किसे पता था वो लोग ऐसा करेंगे? गायत्री के पहचान का रिश्ता था, वो लोग खुद ही रिश्ता लेकर आए थे। पहले जल्दबाजी मचाई और अब मना कर दिया। अम्मा देर लगी पर समझ में आ गई ये बात। अरे उनका लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता है, अच्छे घराने का है, दसवीं पास लड़की से कौन शादी करेगा? अच्छा खड़े हो जाओ, मुझे तो पहले से इशारा। बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि अम्मा हर लड़का मेरे तरह फंसता नहीं है, एक मामूली सी लड़की के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी खराब। लेकिन आदि जी आज शादी से ना करने का क्या मतलब? जब हमने उन्हें सब बता दिया था, लक्ष्य और रोहन जी की बात भी करा दी थी, कुछ छिपाया नहीं है हमने, बल्कि सब जान के ही उन्होंने ही तो उठाई थी रिश्ते। सही कह रही है मंगल, पहले खुद ही जल्दबाजी की कि रोगा कल ही कर लेते हैं और अब अचानक से मना कर दिया। पता नहीं इन लोगों को क्या चाहिए, कहीं दहेज तो नहीं चाहिए? अरे शुरू कर दिया, पता नहीं इनको क्या चाहिए, कहीं दहेज तो नहीं चाहिए? अरे नहीं नहीं जीजी, वो लालची लोग नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं बात करूँगी तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या। गायत्री अभी फोन लगाओ उसे। अरे काट दिया, ये क्या तरीका है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है जीजी, अच्छे लोग हैं पर अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तेरी बात हुई थी ना उनसे? हाँ यहाँ से तो एक तेरी बात हुई थी ना उनसे? क्या कहा रोहन जी ने? बस इतना है कि वो मुझसे रिश्ता नहीं करना चाहते, वो नहीं आएंगे। लक्ष्यू आए अमा तो ना कटवा दी इस लड़की ने, जड़ से ही किसी की दीन के नहीं छोड़े। अबे दीपिका मम्मी को पानी दे। अम्मा मैं भी अब निकलता हूँ, इतनी मुश्किल से टाइम निकाल कर आया था, जा रहा हूँ वापस। खराब दिया कुछ नहीं, प्लास तोड़ा पड़ा। वही निकलना चाहिए, आप अपना ध्यान रखिए। टेंशन लक्ष्मी को तुम्हारी जरूरत है, हम इनके साथ बच्चों को लेकर घर पहुंच जाएंगे। तो हम सब वेट कर रहे हैं। मीन वाइल लक्ष्मी भी आती है बाहर, तो बोलती कि वो आई नहीं अभी तक, तो बोलती कि नहीं कि तुम अंदर जाओ वो आ जाएंगे, तुम आज बाहर मत आओ। तो फिर वो हम ये ड्रामा सब चल रहा है हमारा हॉल में, तो सडनली लक्ष्मी कम्स आउट एंड सेज कि रोहन आ नहीं रहे। तो वो एक थोड़ा सा हमारे लिए शॉक क्या पूरी फैमिली के लिए कि अब क्या हो गया सडनली, पहले तो सब कुछ सही था, सब ने अप्रूव कर लिया था, अब हो नहीं रहा है, क्या दिक्कत है। तो अब सब वही एक आइडिया है जो आगे आगे जाके आपको एपिसोड में समझ में आएगी क्यों उसने मना किया है शादी के लिए, तो वही ट्विस्ट है। मिलन के आने के बाद वो बता भी रहे कि जब लक्ष्मी खुद लाइक वो पढ़ा लिखा उसको बता रहे हैं। जी जी जी, तो जो क्यों ये सब आइडियाज़ लगा रहे कि क्यों नहीं आ रहे, तो आदित्य भाई इज़ लाइक लिटिल हार्श ऑन हर कि हाँ ये भी रीज़न हो सकता है कि लक्ष्मी पढ़ी लिखी नहीं है और वो पढ़ा लिखा खानदान से है, ये रीज़न रहा होगा रिजेक्ट करने का। तो उसमें सब कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अच्छे घर से है। कोई बोल रहा है कि दहेज का प्रॉब्लम है, वो ऐसा भी नहीं है, मेरी मॉम कह रही कि नहीं मैं अच्छे से जानती हूँ, उनका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ लगा रहे, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि क्यों ये रिश्ते के लिए मना किया रोहन ने। तो हम सब उसी का इंतज़ार कर रहे हैं।